वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि एनटीए की तरफ से सभी स्टूडेंट्स के लिए निकल कर आई है और जो सभी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। एडमिशन्स के लिए जो आपके विकल्प है यानी कि ऑप्शंस है वो बढ़ाए जाएंगे। अब कौन सी खुशी और किस एडमिशन के लिए कौन से ऑप्शंस जो है बढ़ाए जाएंगे, इसके बारे में चर्चा आगे की इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इन सभी को लेकर। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम नीट और अन्य ऑल इंडिया एग्जामिनेशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं वो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए। तो क्या बोला गया है, ये जो न्यूज़ है वो नीट के सुपर स्पेशलिटी के लिए है। जो नीट सुपर स्पेशलिटी है वो राष्ट्रीय जो नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब कॉलेजों में दाखिले के उन्हें ज़्यादा विकल्प दिए जाएंगे। अब तक नीट सुपर स्पेशलिटी पास करने वाले जो स्टूडेंट्स थे उनके पास सिर्फ दो विकल्प दिए जाते थे, जबकि MD, MS, DM और MCH सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में 11 और 13 ब्रांच होती है। MD में 11 और MCH में 13 ब्रांच। बताया गया है कि MD, MS, DM और MCH की सीटें भरने के लिए अभ्यर्थियों को अधिक विकल्प दिए जाएंगे और इस संबंध में उत्तर प्रदेश के एक कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के निदेशक जो प्रोफेसर विनय कृष्णा हैं उन्होंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके समक्ष यह मांग उठाई है और मेडिकल कॉलेज मैनेजमेंट इस संबंध में MCA को प्रस्ताव भी भेज चुका है। उसके बाद प्रोफेसर श्री कृष्णा ने बोला है कि अगर विकल्प अधिक रहेंगे तो सुपर स्पेशलिटी की जो सीटें हैं वो सारी भर जाएगी। अभी बहुत सीटें खाली रह जाती है। अभ्यर्थियों को जो दो विकल्प भर देते हैं उन ब्रांचों के अलावा उन्हें कहीं मौका नहीं मिल पाता है। अगर विकल्प ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन भी कम होगा और स्टूडेंट्स के वो सीटें जो है वो भी पूरी भरी जाएगी। उसके बाद इस पर सेक्रेटरी जनरल जो डॉक्टर वत्स है उन्होंने भी कहा है कि इसके लिए प्रश्न पत्रों में भी बदलाव किए जाएंगे। अभी MS और MCH के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र होते हैं, तैयारी चल रही है कि इनका एक ही प्रश्न पत्र हो जिसमें सभी स्पेशलिटी के सवाल रहेंगे। हालांकि उन्होंने बताया कि किसी भी बदलाव को लागू करने के लिए छात्रों को एक साल का समय देना होता है, इस वजह से यह व्यवस्था वर्ष 2021 में ही लागू हो पाएगी। यानी कि ये जो सारी व्यवस्था है यानी कि इसके विकल्प बढ़ाने को लेकर और इसके क्वेश्चन पेपर में चेंजेस को लेकर, इसका क्वेश्चन पेपर एक किया जाएगा MD और MS का, तो इसके लेकर जो स्टूडेंट्स को समय देना होता है वो एक साल का कम से कम गैप देना होता है ताकि वो एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सके। तो ये व्यवस्था जो है वो 2021 में ही लागू हो पाएगी, 2020 में लागू करना इसको संभव नहीं है क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो सीधा का सीधा स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रही हैं वो अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए कर रही हैं, लेकिन अगली जो परीक्षा होगी 2021 में जो एग्ज़ाम होगा इसका, उसके लिए स्टूडेंट्स को पहले ही वॉर्न कर दिया जाएगा कि आपका सिलेबस चेंज होगा और इस एग्ज़ाम पैटर्न पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आने वाला है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी आप सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो कि मैंने आप सभी से शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और इसी तरह की नीट से रिलेटेड लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।